हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेरे फूड प्रोसेसर का रिव्यू और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी सी भजिया की रेसिपी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन हमारी स्किन से डिफरेंट होती है, तो उनकी स्किन का केयर भी डिफरेंटली किया जाना चाहिए। तो मामाअर्थ की जो रेंज है ये खास करके बच्चों की नाजुक त्वचा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और ये है मामाअर्थ का लोशन जो आजकल मैं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटे बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत तेज़ी से नमीक होती है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी स्किन को रोज़ नरिश किया जाए, रोज़ मॉइस्चराइज किया जाए, जिससे कि उनकी त्वचा जैसी सॉफ्ट है वैसे ही सॉफ्ट बनी रहे। तो ये जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है ये डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन है और ये बच्चों की स्किन को एकदम वेलवेटी, सॉफ्ट और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? कोकोआ बटर, शिया बटर, जो कि बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ये पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। और सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो इस लोशन के अंदर हैं वो हैं नेचुरल, तो ये सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट हुआ। और ऑल्सो ये हाइपो एलर्जेनिक भी है। इस लोशन में है जोजुबा ऑयल जो बच्चों की स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ है विटामिन ई और एलोवेरा की खूबियाँ जो बच्चों को गर्मियों में जो सन की ज़बरदस्त हीट होती है उससे भी राहत पहुंचाती है। प्रोडक्ट एशिया का फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और डीपली बच्चों की बॉडी को नॉरिश करता है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैराबेंस, SLS, मिनरल ऑयल्स, फ्रेग्रेंसेस नहीं है। प्रोडक्ट है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड और फ्रेग्रेंस है बिल्कुल नेचुरल, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस हैज बीन यूज्ड इन दिस प्रोडक्ट। तो मुझे बहुत दिनों से मेरे चैनल पे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरा जो फूड प्रोसेसर है इसके बारे में मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू दूँ, पर इसको मैं बहुत वक्त से यूज़ कर रही हूँ, मेरे जो भी इसके साथ एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा जो फूड प्रोसेसर है वो है मॉफ रिचर्ड्स का और ये है आइकॉन DLX और ये इस तरह से ब्लैक एंड ग्रे कलर का है, ब्लैक है और सिल्वर कलर का है, ये ग्रे जैसा भी दिखता है। और इसका एक और वेरिएशन आता है वो है शायद गोल्डन, पर ये थोड़ा सा क्लासी लगता है कलर कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। और जब मैंने ये ख़रीदा था कुछ 2 years back तो तभी मुझे अराउंड 11K का मिला था, लेकिन अभी ये 10K प्लस है। आपको आराम से अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगा ये, या फिर मॉफ रिचर्ड्स का जो डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वहाँ से भी मिल सकता है। पर मैंने ये ख़रीदा था क्रोमा से, जो टाटा का क्रोमा होता है वहाँ से लिया था मैंने ये। तो इसके साथ 17 pieces आते हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताऊँगी कि क्या क्या इसके साथ आता है और मेरी एक्सपीरियंस क्या है। तो इसके साथ आपको सबसे पहले तो इस तरह का एक जो मेन यूनिट होता है, आप लोगों ने बहुत बार मुझे ये यूज़ करते हुए देखा है, तो ये मेन यूनिट आता है और इसके अंदर ये एक तरह का स्विंडल होता है। तो ये स्विंडल आपको इसके अंदर लगाना ही है, ये तो परमानेंट है ही, बाकी आप कोई भी अटैचमेंट लगाएंगे तो ये तो पहले जाएगा ही। और ये है चॉपर, तो आपने मुझे बहुत बार साग, मेथी, इनफैक्ट ऑनियन, टमेटो, वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉनकैसे टाइप, जैसे हम कद्दूकस में ग्रेट करते हैं तो कैसी कंसिस्टेंसी हमको मिलती है, वो अगर आप इससे ये वाला अटैचमेंट लगा के फूड प्रोसेसर में करेंगे तो आपको वो कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। एकदम से प्योरे नहीं बनाता है ये, एकदम फाइन चंक्स बनाता है, जैसे कि हम कद्दूकस करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का। और एक और बिल्कुल सेम लुकिंग दूसरा ये अटैचमेंट है, पर ये आता है आटा वगैरह नीड करने के काम, इससे घी वगैरह भी बना सकते हैं, पर मैंने यूज़ किया ये घी बनाने में उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो मैं घी बनाने के लिए भी ये वाला अटैचमेंट यूज़ करती हूँ। और एक ये वाली इसकी लिड आती है, ठीक है, और एक ये वाला लिड आता है, तो ये वाला लिड जब आप जूसिंग करते हैं तो उसके काम आता है, और ये नॉर्मल प्रोसेसिंग लिड है। और इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट्स आते हैं तो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। ये है इसका
छोटा वाला जो चटनी जार होता है ये वो है, और ये मेटल का है, और अंदर से ये एयर ब्रश्ड बोलते हैं इसे, ये ब्रश्ड मेटल है तो ये बहुत क्लीन लुक देता है और इसमें हल्दी वल्दी के निशान नहीं पड़ते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। सिमिलरली फिर एक ग्राइंडर आता है, तो इसमें आप मसाले वगैरह पीस सकते हो। ये भी बिल्कुल सेम है, बाहर से एकदम क्रोम फिनिश है और अंदर से ये ब्रश्ड मेटल है, और इसका जो लिड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप इसको लगा के बिना हाथ रखे भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो स्पिल होने के चांसेस नहीं होते, एटलीस्ट मेरे साथ अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। एंड देन ये है इसका ब्लेंडिंग यूनिट, इस पे आपको मेजरमेंट्स भी दिए हुए हैं, मार्कर है यहाँ पे, आप आपके लिक्विड्स को मेजर कर सकते हैं। ऑल्सो इसके एक बहुत अच्छी सी फीचर ये है कि आप ऊपर से इसको इस तरह से, अगर आपको बीच में थोड़ा मिल्क वाटर ऐसा कुछ भी आपको ऐड करना है तो आपको पूरा ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से थोड़ा बहुत आपको जो भी इंक्रीज करना है ऐड करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो बाकी फिर इसके साथ है ये सिट्रस जूसर, ये भी एक तरह का जूसर है, और एक ये आता है इसका स्क्रेपर, और ये तीन आते हैं इसके साथ अटैचमेंट्स, ये देखिए मैं एक एक करके दिखाती हूँ। तो ये वाला जो है ये इस साइड से आप करेंगे तो बिल्कुल फाइन ग्रेटिंग होता है, और इस साइड से करेंगे तो थोड़ा सा कोर्स ग्रेटिंग होता है, जैसे कि गाजर का हलवा या मूली के पराठे के लिए जो ग्रेटिंग चलती है वो इस साइड से करने से आएगा। और ये है आपका एंड दिस अटैचमेंट, इससे आप फिंगर स्टाइल की सब्जी वगैरह काट सकते हो, जैसे पोटैटो फिंगर्स होते हैं ना फ्रेंच फ्राइज, उस स्टाइल में आपको कटिंग करनी है तो ये वाला ब्लेड काम आता है, और अगर आपको थिन स्लाइसिंग करनी है तो फिर ये वाला काम आता है। तो ये तो हो गया कि इसके साथ क्या क्या आता है, अब मैं आपको मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस है वो बताती हूँ। एक खूबी ये है कि जब तक आपने इसका जो मोटर है इसके ऊपर कोई भी इनमें से जार अटैच नहीं किया तब तक आप कितना भी कोशिश करें ये नहीं चलता है, ये लॉक्ड ही रहता है। इसके यहाँ पर एक लॉक सिस्टम है, अगर आपने प्रॉपरली, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ करके, ये देखिए मैंने सिर्फ रख दिया है, मैंने इसे लॉक नहीं किया है तो भी ये नहीं चलेगा। आप इसे लॉक कर देंगे ना तो ऐसा आवाज आएगा, यानी कि ये लॉक है, उसके बाद ही ये चलता है। तो एक बहुत अच्छा फीचर है, बहुत सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ये फीचर है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि ये शेक बहुत करता है, पर मेरे पास जब से ये फूड प्रोसेसर है, मैंने आपको शायद बताया, इट्स बीन टू ईयर्स नाउ, मोर देन टू ईयर्स नाउ, मुझे बिल्कुल कोई इसमें शेकिनेस का प्रॉब्लम नहीं हुआ। इट्स नॉट लाइक आई एम डूइंग एन एड फॉर इट, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो मुझे कभी नहीं लगा कि ये शेक करता है। दूसरा, इसके साथ एक बहुत अच्छी बात ये है, अभी तो मैंने इसके नीचे टॉवल लगाया है इसलिए इसको उठाया जा सकता है आसानी से, अदरवाइज इसके नीचे ये सक्शन आप देख सकते हैं, ये सक्शन जेट, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस, पर ये सक्शन बेस्ड है, अगर आप, मैं ये टॉवल हटा दूंगी तो ये इससे फॉर्मली चिपक जाएगा और आप फिर कितना भी कोशिश करेंगे तो एकदम से ये उठने वाला नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जब इतनी अच्छी तरह से फॉर्मली ये इसका ग्रिप इतना फॉर्म है, ये फॉर्मली यहाँ पे स्टैंड कर रहा है तो फिर शेकीनेस होने का चांस ही नहीं है। दूसरा, इसका जो मोटर है ये 1000 वॉट का है, बहुत पावरफुल है, तो मोस्ट ऑफ द फूड प्रोसेसर जो होते हैं वो इसी रेंज में होते हैं, 1000 वाट में ही होते हैं, लेकिन जो हमारे जो मिक्सी वगैरह होते हैं वो 700 टू 800 वेरी करते हैं। तो इसका मोटर काफ़ी पावरफुल है, एज इन आप चाहें तो इसमें आराम से गरम मसाला, रॉक सॉल्ट, टर्मरिक सब पीस सकते हैं, मैंने पीसा भी है, मुझे इससे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके साथ जो मुझे इसका एक पॉइंट अच्छा नहीं लगा वो ये कि थोड़ा सा कस्टमर सर्विस है ना वो थोड़ा सा कह सकते हैं ढीला है। मेरा जो ये जार है मुझे ये रिप्लेस करवाना था और उसके लिए कितना वक्त मुझे वेट करना पड़ा, हालांकि वो घर आकर सब कुछ करके जाते हैं, उनकी सर्विसेज में कोई कमी नहीं है, बट दे आर क्वाइट
नॉट लाइक वो जैसे फिलिप्स वगैरह है ना, मेरे पास फिलिप्स का भी एक मिक्सी है, तो वो लोकली भी आपको 3-4 जो है कस्टमर सर्विस यू नो सेल जो होते हैं उनके स्टोर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो लोकली भी आप जाके खुद से भी ये सब चीज़ें चेंज करा सकते हो, खरीद सकते हो। लेकिन इन लोगों का कुछ ज़्यादा ही सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो आपको सिर्फ वेट करना पड़ता है, आप कस्टमर केयर में रिक्वेस्ट डालें, वो प्रॉपर चैनल फॉलो होगा, तो 15-20 दिन कहीं नहीं गए। ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक इतना बड़ा चीज़, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये, और जब आपके पास है तो फिर ये किचन का इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, तो अगर थोड़ा भी इसमें कुछ खराबी आती है तो 15-20 डेज का वक्त किसी के पास नहीं है बैठ कर वेट करने के लिए। दूसरी बात ये कि ये 10K एज सच भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, क्योंकि मार्केट में मैंने देखा है कि बजाज वगैरह है और भी हैं, तो वो आराम से 6-7 तक मिल जाते हैं। अगेन इसके जो प्रेस्टीज है, इसका जो नाम है, इसका जो क्वालिटी है, उसके लिए 10K कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा, ऐसी चीज़ों में एक ही बार इन्वेस्ट किया जाता है, तो कहते भी हैं कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। महंगा सिर्फ एक बार जब आप पैसे देते हैं तभी आपको दुख होता है, अदरवाइज उसकी जब वो परफॉर्म करती हैं चीज़ें तो आपको हैप्पीनेस ही मिलती है, जबकि सस्ती चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है उनको बार 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 सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये फैक्टर कि चीज़ें, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, एक बार आपने 10K दे दिया, खरीद लिया, और भगवान ना करे आपका ये सब चीज़ें जो प्लास्टिक की हैं, जैसे कि ये हुआ ना, ये गिरेगा तो ऑब्वियसली चिप होगा क्योंकि ये प्लास्टिक है, और फिर इसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो भी बहुत हाई है, समझिए 2-3 हज़ार रुपये, आपके 1,500-2,000 रुपये तो कहीं नहीं गए एक ही को रिप्लेस कराने में। इतने में तो कोई भी यू नो छोटा लो ग्रेड मिक्सी या कम अटैचमेंट्स वाला मिक्सी आराम से आ सकता है, तो ये एक पॉइंट इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज़ ये है कि लाइक एवरी अदर फूड प्रोसेसर इतने सारे अटैचमेंट हैं, मैं आपको बता रही हूँ 2 साल हो गए मुझे ये खरीदे हुए, लेकिन इतने सारे अटैचमेंट मैंने यूज़ ही नहीं किए, या यूज़ किया तो शायद 1 या 2 बार, तो इतने सारे अटैचमेंट्स की हमको ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली ये 3-4 ही होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। बट ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हैं आपके किचन में एक स्मार्ट फूड प्रोसेसर, तो आई रिकमेंड दिस। ये आपका यू नो आटा नीडिंग से लेकर चॉपिंग से लेकर फाइन चॉपिंग, फिंगर बनाना, स्लाइसिस बनाना, एवरी सिंगल थिंग इट विल डू फॉर यू। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखाती हूँ। मैं इसमें ऑलरेडी घी मैंने बनाया था, वो क्लिप मैंने आपको दिखाया था, तो घी मैं इस वाली यूनिट में बनाती हूँ, और जैसा कि मैंने शेयर किया ये वाले अटैचमेंट के साथ बनाती हूँ। प्लस मैंने इसी में साग भी चॉप किया था, मैं मेथी वगैरह इसी में चॉप करती हूँ, और ग्रेटिंग भी सारी इसी में करती हूँ। देखिए ये मैंने ऐसे लगा दिया है ना, तो ये नहीं चलेगा, मुझे इसे लॉक ही करना पड़ेगा। अब मैंने ये लॉक कर दिया, ये अब भी नहीं चलेगा देखिए, क्योंकि ये जो ऊपर वाला लिड है ये मैंने अभी लॉक नहीं किया है, तो इसको भी लॉक करना है। तो दैट मीन्स मतलब आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आते हैं तो आप ये बात बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को ये जो इनके नॉब्स वगैरह होते हैं ये घुमाने में कितना मज़ा आता है। तो बच्चे लोग आके इसे चला भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जब तक लॉक नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। ये एक बहुत अच्छी फीचर है इसके बारे में। तो मैंने जैसे बताया ये जो स्विंडलर है ये तो बेसिक है ही, ये हर एक में लगेगा, और अभी मैं इसे लगा रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक स्लाइसेस आपको दिखाने के लिए। ये इस तरह से इसका जो टिप है, हर एक लाइक दिस वाला अटैचमेंट एंड दिस अटैचमेंट, ये सब इसके ऊपर ऐसे ही रेस्ट करते हैं। इसके बाद आपको ये जो लिड है ये लॉक करना है सर, और मैं यहाँ स्लाइस करने वाली हूँ कुछ ऑनियंस, तो ऐसे आपको डाल देना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट, ये देखिए। ये देखिए कितने फाइन स्लाइसेस हुए हैं, और कितना वक्त लगा मुझे आपने देखा, हाउ फाइनली
ये स्लाइस हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आप खीरे और आलू वगैरह सभी स्लाइस कर सकते हो। तो रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, सो सेटिस्फैक्ट्री। तो चलिए अब इस प्याज के बनाते हैं भजिए। इससे पहले कि मैं भजिए बनाना शुरू करूँ, ये जो दुकान मैंने लगाई है ये थोड़ा सा मीट लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वर्किंग स्पेस मिल जाएगा। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा धनिया बारीक चॉप कर लिया है साफ़ करने के बाद। तो एक बड़े बोल में मैं ले रही हूँ स्लाइस किए हुए ऑनियन, और ये पटेटो भी मैंने फूड प्रोसेसर में ही स्लाइस कर लिए हैं। ऐड कर रही हूँ मैं इसमें चॉप किया हुआ धनिया और हरी मिर्चें, साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी रंग के लिए और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर भी, और ये डाला है मैंने थोड़ा सा हींग यहाँ पर। आप चाहे तो इसको लहसुन से रिप्लेस कर सकते हो, और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। और अब मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। तो बेसन आपको कितना लेना है वो डिपेंड करता है कि आपकी सब्ज़ी कितनी है। आमतौर पर बेसन थोड़ा सा कम ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बेसन बेसन हो जाएगा तो सब्ज़ियों का टेस्ट नहीं आता है और फिर पकौड़ों का मज़ा बेकार हो जाता है। तो जितनी आपने सब्ज़ी ली है उससे थोड़ा कम बेसन लीजिए, बस उतना ही जितना कि वो सब्ज़ियों को बाइंड करने और कोट करने के काम आ जाए। तो स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा, और इसे हाथों से अच्छे से मसल मसल के आपको एक स्मूथ बैटर जैसा तैयार कर लेना है, बहुत अच्छा, मतलब मिक्सचर जैसा। तो इनिशियली बहुत सारा पानी मत डाल दीजिएगा, क्योंकि नमक डालने के बाद सब्जियां पानी छोड़ देती हैं। तो धीरे धीरे आप इसे मिक्स कीजिएगा। और यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का तेल, मैं पकौड़े ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो बस मैं तेल में पकौड़ों को छोड़ दूंगी, मैं हाथ से ही पकौड़े जो है वो बनाती हूँ। मुझे चम्मच से बनाए हुए उतने नहीं अच्छे लगते, वो बीच बीच में बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं और फिर वो उतने टेस्टी नहीं लगते। इस तरह जब आप हाथ से छोड़ते हो पकौड़े तेल में, तो वो बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी जैसे और इवनली कुक्ड निकलते हैं, और उनका टेस्ट एक अलग ही होता है। तो बस पलट पलट के मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी, अच्छे से इवनली कलर भी आना चाहिए और कुक भी होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया पकौड़ों को, और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं ऐसे मिक्स वेजिटेबल पकौड़े, आलू प्याज के पकौड़े बेसिकली, और मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सिर्फ आलू या सिर्फ प्याज के पकौड़े से इस तरह के पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो सर्व किया है मैंने पकौड़ों को ये वघार वाली दही के साथ, थोड़े से केचप और हरी चटनी के साथ। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे एक लाइक दे सकते हो, ये रेसिपी अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपकी राय मुझसे कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।